अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आप जैसे देख सकते हैं मैस बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ हुआ है, क्योंकि मैं कल अम्मी के घर से आई थी। सो ये सारी जो बेडशीट्स वगैरह थी वो मैंने चेंज करनी थी, सो चेंज करते हैं। और ये है 17 जैन का व्लॉग, और यहाँ पे मैंने चेंज कर ली थी। और जी हसन की बर्थडे का व्लॉग है, और अभी जो शाम का टाइम है, और अभी हम लोग आए थे केक इन किचन, और इसके अलावा भी जो ऑनलाइन बेकिंग वो बेकरीज हैं वहाँ पे पता किया था। सो हम लोगों ने हसन के लिए जो है कस्टमाइज केक बनवाना था। सो काफ़ी सर्च करने के बाद हम इधर ही आए हैं केक इन किचन में, और ये एक पड़ा हुआ था कोकोमेलन का, हम लोगों ने कोकोमेलन का बनवाना था, लेकिन वो जो है बना के दे रहे थे, लेकिन वो ये था कि स्टिकर्स वगैरह। अब जी हम लोग आए हैं शॉप पे, और यहाँ पे बलून्स वगैरह लेने थे क्योंकि खुद डेकोर करना था। और ये हसन की बर्थडे से एक दिन पहले का व्लॉग है रात का। सो अभी जो बलून्स का कम्बो मैंने सेलेक्ट किया है वो मस्टर्ड ब्लू एंड ब्लैक, क्योंकि अभी कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह की डेकोर करनी है। सो मेरे माइंड में यही था क्योंकि लड़कों के लिए यही होता है, बॉयज़ के लिए। और उसके बाद जी ये हम लोग आ गए हैं स्टोर में, और यहाँ से मैं देख रही थी हैप्पी बर्थडे के बैनर्स और जो दूसरी चीज़ें वगैरह होती हैं, शिमरी जो शीट टाइप वो होती है वो, और इसके अलावा कैंडल्स वगैरह देख रही थी, और जो ग्लिटरी बलून्स होते हैं वो। सो ये आप देख सकते हैं, ये वाले मैंने लिए थे, लेकिन उसके बाद मैंने एक फुल सेट था वो मैंने देखा, तो फिर मैंने फुल सेट ले लिया था। उसमें बलून्स भी थे, उसमें वो शिमरी शीट्स भी थी, और हैप्पी बर्थडे वाला बैनर भी था। सो अभी मैं और चीज़ें भी देख रही थी कि और क्या लेनी है। और ये वही स्टोर है जहाँ से हम लोग ग्रॉसरी वगैरह करते हैं। और ये जी आ गया है बैनर, और इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और ये आई थिंक था 795 का। और उसके बाद जी अभी यहाँ से हम लोग चीज़ें लेंगे, और फिर हम लोग दोबारा से जो केक एंड किचन में जाना था, और वहाँ पे ऑर्डर जो है वो कंफर्म करना था। अब जी हम लोग आ गए हैं केक एंड किचन, और यहाँ पे जी हम लोग ने फाइनल कर लिया था कि कौन सा केक बनवाना है। और अभी जी आप देख सकते हैं आज हम लोग बाइक पे हैं, और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि क्या बताऊँ, और फोग आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे थे लाल कुर्ती, और वहाँ से मैंने ड्रेस वगैरह देखना था, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोगों ने सेलिब्रेट करनी है। सो वहाँ पे एक शॉप है, और यहाँ पे मैं आई थी, और यहाँ से जो है मैंने दो ड्रेसेस लिए थे जो कि मैं किसी और वीडियो में दिखाऊँगी। और ये है जी हसन की बर्थडे का व्लॉग, और अभी हम लोग जो है हम तैयारी करने लगे थे कि हम लोग सारा डेकोर वगैरह करते हैं, क्योंकि जो हमारी हेल्पर थी उन्होंने सफाई वगैरह करके गई। सो यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी आप लोग को, ये फुल पैक था, और इसमें हैप्पी बर्थडे का बैनर भी था, और जो दूसरे शिमरी बैनर्स होते हैं जो आप वॉल पे लगा सकते हो वो थे, और वो जी सारा वो सेट हो गया था, उस पर लगना था विंडो पे। और जी हैप्पी बर्थडे वाला जो मैंने वो देखा हुआ था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उस पर, वो ऑलरेडी देखे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। सो अभी हम लोग चेंज करके जो है मैं और मेरी जो है छोटी वाली नन हम लोग कर रहे थे, और मैं अभी ये लगाऊँगी उस पर। और ये जी हम दोनों जो है बलून ज़रा सारा वो लगा रहे थे, और उसके बाद हसन भी जो है वो उठ गया था। सो वो बिल्कुल भी जो बलून देख के वो इतना खुश हो जाता है कि वो उसका बस चले तो सारे बलून्स फाड़ना स्टार्ट कर दे। यहाँ पे जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी आर्ट बनाने के लिए, और उसके लिए हमें चाहिए था जी रिबन, और रिबन बिल्कुल नहीं था हमारे पास। सो ट्राई करके कुछ कोशिश करके बना रहे थे, और बहुत से ही थ्रेड से ही बनाना था। सो यहाँ पे उमेर भी जो है वो जल्दी आ गए थे क्योंकि सारा डेकोर भी करना था, उसके बाद खाना वगैरह सारा कुछ। सो ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके लगा रहे थे, और ये देख सकते हैं आप लोग जो इसकी हाफ़ जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, हाफ़ डेकोर। उसके बाद जो है उमेर करना स्टार्ट हो गए थे, और ये जो पिंक वाला हैप्पी बर्थडे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एज़ कम्पेयर टू गोल्डन। और ये दिन जो है मैंने फेरी लाइट भी लगा ली थी, वो एक अच्छी सी लुक देता है। और इससे पहले भी जो है इसी जगह पे मैंने एनिवर्सरी का भी डेकोर किया था, और ये देख सकते हैं आप इसकी फाइनल लुक। इसको मैं लाइट ऑन करके भी आपको दिखाती हूँ ये लाइट के साथ, और मज़े का लग रहा था, अच्छा लग रहा था सारा कम्बो। और इस तरह अगर आप मतलब किसी इवेंट ऑर्गेनाइज़र को बुलाते हैं तो वो अच्छे खासे आपसे पैसे चार्ज करता है। और डेकोर तो कंप्लीट हो गई थी, इसके साथ साथ जो है खाना वगैरह भी हम लोग बना रहे थे, और वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। और ये जी मेरा ड्रेस जो मैंने लाल कुर्ती से लिया था,
और ये ओपन शर्ट है इसका बाहर, और मस्टर्ड कलर में है। ये देख सकते हैं शीशा वर्क, आजकल शीशा वर्क बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई भी है थोड़ी सी, और फ्रंट ओपन है इसका। ये एक शर्ट है, और इसके अलावा जी ये हसन के लिए मैंने निकाले थे, और ये जब हसन जब पैदा हुआ था तो उसकी पुप्पो लेके आई थी, जो बड़ी वाली पुप्पो हैं गुजरांवाला से। सो ये डेकोर हो गई है कंप्लीट, और अभी खाने का ये प्रोसीजर है। ये बिरयानी बन रही थी, वाइट कढ़ाई बन रही थी, उसके बाद स्पेगेटीज बन रही थी, और सालन जो भी है सैलड वगैरह और चटनीज़, और इसके बाद फिश जो है वो मैरिनेट करके मैंने रख दी थी फ्रिज में। और ये जी वाइट कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी थी, और बिरयानी को भी दम लग गया था, सैलेड और चटनी, और ये जी फिश। और इसके बाद हम दोबारा आ गए थे अपना जो है केक रिसीव करने, केक हमारा जो बन गया था। और ये रहा माशाल्लाह 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 हसन का जो है फर्स्ट बर्थडे का केक, और पीछे से भी आपको आवाज़ें आ रही होंगी, मेरे साथ ही है ये पीछे। और ये इसका जो केक चूज़ किया था उमेर ने चूज़ किया था, और ऊपर जो है इसके थोड़े से कलर पर्पल और वन के हमने रेड हाईलाइट करने के लिए किया था, बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह से। अच्छा वो देखो बेबी, हसन बेबी, वो देखो बेबी, वो बेबी, दिस इज बेबी, दिस इज हसन बेबी। चलिए आप इसके साथ उठाओगे ना, जल्दी से ले लो। कैसे बनेगी? सामने देख लो यार, बना रही हूँ वीडियो, बना रही हूँ। पहली सालगिरह, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। चल गया आवाज आनी है। जिसको खांसी है वो दूर रहे, वैसे लग जाएगी खांसी तो सबको ही होगी मेरा। कौन हो गया बचा हो पता नहीं, अच्छी बना रही हूँ वीडियो, बना रही हूँ। चल कुछ और ही है, निकल रहा कुछ भी, और ये सारा वो हो जाएगा। और ये था जी आज का व्लॉग, और जो गिफ्ट्स वगैरह हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, उनकी अनपैकिंग होगी। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हमें ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।